सकता हूँ। समझ वाले दोस्तों, मेरा नाम रूबी कुमारी है और मैं आकाश आईएएस विश्व सेंटर की एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुगल साम्राज्य के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का मुगल साम्राज्य में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुगल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमें इसमें पहले आना पड़ता है, तो हम जानेंगे मुगल साम्राज्य आया कहाँ से। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एंड उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम है। बाबर हम नॉर्मली बोलते हैं, बट इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके बाद उन्हें बाबर को उनकी उदारता के लिए हम उन्हें कलंदर बोलते हैं। क्या हुआ उनको उदारता के लिए, उन्हें उस टाइम में कलंदर की उपाधि दी गई थी। हमारे एग्जाम से बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखेंगे पूछा जाता है जैसे कि कलंदर की उपाधि किसे मिला था, तो हमारा आंसर होगा बाबर को मिला था। एंड हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने पहली बार तोपखाना का यूज किया था। ओके, बाबर नामा उनकी एक आत्मकथा है जिसकी रचना उन्होंने खुद करी है। बाबर नामा में हम उन्हें बाबर के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। बाबर के कैसे उनके साम्राज्य थे, क्या क्या है, तो उनकी रचनाकार उनके कौन थे, बाबर वो खुद थे। खानवा के युद्ध के बाद उन्हें हम गाजी का उपाधि भी देते हैं। पहला तो उनका क्या था, पानीपत का युद्ध, और खानवा का युद्ध हुआ तो क्या उनको मिला, गाजी का उपाधि मिला था। ओके, समझ गए। हाँ, फिर हम बात करेंगे उनका मृत्यु। बाबर का जो मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। वैसे तो हमें इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन मैं आज के एपिसोड में बस इतना ही बताना चाहूँगी। हमारा नेक्स्ट एपिसोड आए तो आप उसे जरूर देखिए उनके उत्तराधिकारी के बारे में, क्योंकि बाबर साम्राज्य आपको पता है ना कितना लंबा गया था। तो हम उनके पूरे उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे, और तब तक के लिए मैं आपको सबको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डन बेल आइकन प्रेस करें। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा अगर रोज़ नॉलेज देते हैं ना तो क्या होता है, हमारा कॉम्पिटिशन बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।